दोस्तों फन कॉमेडी जारी है और आपको हंसाने की जिम्मेदारी हमारी है। देव, दिस इज तुम्हारा ससुरा। हेलो मेरे होने वाले ससुर जी। ये बदबू कैसी है? हाथ नहीं मिलाया, लगता पहचान गया कि मैं सोच कर नहीं आया हूँ। बैठो, तुम बैठो, ये थोड़ा समझिए। हाँ बैठो दे। मना किया था फिर भी साला दारू पी कर आ गया है। अरे ये तो वही चप्पल है, लेकिन ये चप्पल इसके पास कैसे? लगता है भुट्टे की नजर मेरी चप्पल पर है। आपकी नजर मेरी चप्पल पर है? देखो मैं उतार के दिखाता हूँ, इसमें तुम्हारा थोबड़ा भी दिखता होगा, इसमें आईना भी लगा है। देव। अब आप पूछोगे इतनी स्पेशल चप्पल कहाँ से मिली? इसे मैं खरीद के नहीं लाया हूँ, बल्कि मंदिर से चुरा कर लाया हूँ। और ये पैंट शर्ट भी। मंदिरों जाता हूँ, भंडारा तो खाकर आता ही हूँ, साथ में जूते चप्पल भी चुरा लाता हूँ, पकड़ा जाता हूँ तो लात भी खाता हूँ। माय धर्म। लेकिन मेरी बेटी के फूट जाएंगे कर्म, मैं एक चोर से अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता। जानते हो चोरी करके कितना कमाता हूँ? तू चोरी करके कितना कमाता है ये छोड़, तू ये सुन कि चोरों की मैं कितनी बजाता हूँ। एक तो मेरी लखानी चप्पल चुराए साले, और उस पे मुझको ही मेरा थोबड़ा दिखाता है। गेट आउट। बेटी तू इसे चप्पल मारेगी या मैं चप्पल मार के भगाऊं? तुझे प्यार करने के लिए यही चोर मिला? अरे कबाड़ी वाले से प्यार कर लेती, किसी बेवड़े से प्यार कर लेती, या गटर वाले से प्यार कर लेती, इस चोर में ऐसा क्या है? पहले अपनी बता, मैं भी तेरे बारे में सब जानता हूँ, तू भी पहले मंदिर में चोरी करता रहा। जिस मंदिर में भीख मांगता रहा उन्हीं के भक्तों की चोरी कर कर के तू इतना बड़ा आदमी बन गया। और यही नहीं, जिस पंडित ने तुझे रहने के लिए मंदिर में जगह दी, तूने उसी पंडित की लुगाई को लेकर भाग गया था। सचना तू झूठ है, बेटी इसे जाने मत देना। कल्लो देव पर ना बाबा काट खाएंगे, तो पागल हो जाओगे। चप्पल चोर मिल गया है। अबे चप्पल चोर रुक साले। दोस्तों वीडियो देखकर अगर आई है आपके चेहरे पर हंसी तो हमें भी दे दीजिए थोड़ी सी खुशी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा के लिए हमें अपना दोस्त बना लीजिए। थैंक यू।